नमस्कार बच्चों, आज हम पांचवी कक्षा की पढ़ाई करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, जुड़े हम इस पाठ को हमने पहले ही शुरुआत की है। इस पाठ में हम देख रहे हैं कि ये जो अक्षर है वे किस तरह से संयुक्त अक्षर बनते हैं, मतलब एक अक्षर दूसरे अक्षर के साथ किस तरह से जुड़ जाता है, यह हम देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके दो नियम देख लिए हैं, पहला है पाई हटाकर और दूसरा है अनंत लगाकर। पाई हटाकर जो भी अक्षर बनते हैं इसके उदाहरण भी बच्चों हमने देख लिए हैं, पन्ना नंबर 33 पर हमने देख लिया है, वाला, गुच्छा, चप्पल, पुष्प, डिब्बा, पत्थर, ये जो शब्द है ये पाई हटाकर तैयार होते हैं। हल लगाकर मतलब हल के लोगो जैसा जो चिन्ह है, इसी करने से हल ऐसा नाम पड़ा है। तो हलंत लगाकर जिन अक्षरों में ये जो खड़ी पाई है वह नहीं होती, जैसे कि ह हो, द हो, है ना, इन अक्षरों को ये जो खड़ी पाई नहीं है तो उन्हें आधा कैसे बनाएंगे, तो उन्हें हलंत लगाकर हम आधा बनाएंगे, यह हमने कल देख लिया है। इसके उदाहरण हमने देखे हैं सिद्धू हो, द्वार, लड्डू, खट्टा, भाइयों, वांग्मय, विद्यालय आदि शब्द हमने देख लिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी शब्दों के नाम दिए हुए हैं ये दोहों में डालकर उन्होंने दिए हैं, और इसमें भी जो भी संयुक्त शब्द है वे हम देख सकते हैं, कुम्हड़ा, सब्जियां, प्याज आदि खड़ी पाई हटाकर बनाए गए हैं। और जैसे कि भुट्टा हो, कद्दू हो, ये जो शब्द है ये कैसे बने हैं, हलंत लगाकर। ये दो नियम हमने पहले वीडियो में बच्चों देख लिए हैं। इसके अगले जो नियम है वे आज हम देखने जा रहे हैं। पन्ना नंबर 34 पर देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले दो चित्र हमें दिखाई देते हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो दूसरे चित्र में शोहर का जो वर्णन है वह यहाँ पर हमें दिखाई देता है, मतलब शोहर किस तरीके से दिखाई देता है इसका यहाँ पर चित्र खींचा हुआ है। सुना और दोहरा, अक्खड़, थक्कड़, गफ्फार, उत्तम, अग्रसर, महाराष्ट्र, सर्वोत्तम। देखिए यहाँ पर अभी दो नियम बाकी है। पहला मतलब तीसरा जो है वह है आधे होकर जुड़े हम, आधे होकर जुड़े हम। कौन कौन से अक्षर आधे होते हैं यह मैंने कल भी आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर देखिए आधे होकर कौन कौन से ऐसे हैं कि जो आधे होते हैं, मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है, जब खड़ी पाई के बारे में मैं बता रही थी तब क और फ ये दो जो अक्षर हैं वे हम आधे करते हैं। पहला नियम जो हमने देखा है उसमें हमने कहा था कि पाई हटाना है, तो क और फ में जो पाई है वह बिल्कुल बीच में है। हमने जो नियम बताया है वहां जो पाई है वह अंत में होनी आवश्यक है, जैसे कि प यहाँ पर अंत में है, इसके आगे है क्या अक्षर, नहीं, लेकिन ये जो ख है यह प के आगे अक्षर है, मतलब ये जो पाई आई है क की हो या फ की हो यह बीच में आई हुई है, तो इन्हें हम हटा नहीं सकते क्योंकि इसके आगे भी उसका आधा हिस्सा है, अक्षर का आधा हिस्सा है, इसी कारण इन दोनों के लिए एक अलग सा नियम बन गया है, क्या, आधे होकर। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था क्योंकि यह शब्द, अगर हम क्योंकि यह शब्द पाई हटाकर लिखेंगे, ये जो शब्द है यह पाई हटाकर लिखेंगे तो वह होगा व्योंकि, क्योंकि ये जो व है इसकी पाई यहाँ पर होती है, इसी कारण क्योंकि जब हम लिखते हैं तो क का अगला भी मतलब खड़ी पाई से आगे जो भी हिस्सा है उसका आधा भाग हम लेते हैं और फिर लिखते हैं, तब इसका उच्चार हम क्यों कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं,
समझ गए बच्चों किस तरह से आधे होते हैं? क और फ ये दोनों बच्चों आधे होते हैं। खड़ी पाई के अगला हिस्सा भी हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन से शब्द हैं। अखर फिर थप्पड़ लिखते हैं नीचे ध्यान में रखिए गफ्फार रफ्तार ठीक है नहीं ए जो है ये अलग प्रकार से जुड़ गए हैं। यहाँ पर जो उत्तम हीन शब्द दिया हुआ है ये जो त जुड़ गया है वह पाई हटकर ही जुड़ गया है इसी कारण मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। अब अगला मैं लेती हूँ रफ्तार शगुफ्ता मुजफ्फर डॉक्टर ना रफ्तार लिखती हूँ। देखिए रफ्तार ख है क लिखते वक्त हम पहला जो है वो व की तरह निकालते हैं और फिर ऐसा लिखते हैं। ख लिखते वक्त ऊपर की जो शिरोरेखा है उसे ही यह जुड़ जाना आवश्यक है। ध्यान में रखिए क और फ में कौन सा फर्क है क और फ में क्या फर्क है यह देख लीजिए। अब देन दोनों में ए जो खड़ी पाई है वह बीच में है इसी कारण हम इसे नहीं हटाएंगे इसके अगला भी हिस्सा ले लेंगे। इसी कारण अखड़ को आधा है थप्पड़ को आधा है गफ्फा फ आधा है यहाँ पर फ आधा है रफ्तार रफ्तार मतलब गति तेज इस तरह से दफ्तर है ना दफ्तर मतलब बस्ता नहीं हमारा मराठी में वो होता है यहाँ पर दफ्तर मतलब कार्यालय है ना। तो ए जो शब्द है ऐसे बनते हैं। देखिए पहला नियम कौन सा है खड़ी पाई हटाकर दूसरा है हलंत लगाकर मतलब जिसमें खड़ी पाई है नहीं उन्हें हम हलंत लगाएंगे। तीसरा नियम है जिनमें खड़ी पाई है ही नहीं बीच में भी नहीं सॉरी जिनमें खड़ी पाई है लेकिन वह बीच में है उन्हें हम खड़ी पाई के साथ साथ उसके अगला भी हिस्सा लेंगे मतलब हम आधे से करेंगे इसी कारण आधे होकर वे जुड़ जाते हैं। अगला देखिए चौथा कौन सा है कौन सा बच्चों विभिन्नता से जुड़े हम विभिन्नता असल में देखा जाए तो यह र के बारे में है विभिन्नता से यहाँ पर ये जो र है शिरोरेखा के नीचे ही र पूरी तरह से आता है लेकिन इस र को हम पांच प्रकार से आधा बनाते हैं पांच प्रकार से आधा बनाते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए र एक ऐसा अपवाद है जिसे हम हलंत नहीं लगाते हलंत लगाकर उसका आधा बिल्कुल नहीं करते। ध्यान में रखिए यहाँ पर खड़ी पाई नहीं है हमने नियम दूसरा देखा है कि जिसमें खड़ी पाई नहीं है उन्हें हम हलंत लगाएंगे लेकिन र इसके लिए अपवाद है क्योंकि र जो है वह पांच प्रकार से लिखा जाता है आधा रो आधा रो। देखिए कैसे पहला जो है वह शिरोरेखा के ऊपर ऐसा लिखा जाता है दूसरा जो है वह नीचे लिखा जाता है वही है इसे रफा कहते हैं इसे रुका कहते हैं। तीसरा देखिए कैसा पहला है दूसरा है तीसरा ऐसे लिखते हैं चौथा नीचे ऐसा लिखते हैं और पांचवा ऐसा लिखते हैं। देखिए चिन्ह मैंने यहाँ पर निकाले हैं कैसे है देखिए लिखती हूँ मैं सर्व सर्व र का उच्चारण है लेकिन र हमने ऐसा लिखा है क्या सर्व ऐसा लिखा है नहीं र का उच्चारण है लेकिन र इस चिन्ह के रूप में लिखा है। आगे देखिए
चिन्ह में है। गृह र का उच्चारण है लेकिन इस चिन्ह में है। सर्व र का उच्चारण है इस चिन्ह में है। ग्रह है इस चिन्ह में है। ट्रक ट्रक र का उच्चारण है इस चिन्ह में। समझ गए बच्चों? यहाँ पर देखिए दर्जी ऊपर भी दिया है अग्रसर अग्रसर महाराष्ट्र सर्वोत्तम। देखिए र किस तरह से लिखा है। दर्जी गंधर्व इंद्र धनुष्य चंद्रमा मेट्रो रेल महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं यहाँ पर मैंने लिखे हैं। बराबर अगला देखिए दो नंबर का मौन वाचन करो और आपस में श्रुत लेखन करो। श्रुत लेखन मतलब सुनो और लिखो श्रवण लेखन। देखिए मौन वाचन करो मतलब मन में ही पढ़ना है लेकिन मैं यहाँ पर आपको पढ़कर दिखाती हूँ। ये जो स्विचार है किस तरह से देखो। सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। यहाँ पर पहला जो वाक्य है इसमें डॉक्टर मतलब क आधा हुआ है और व्य यहाँ पर व आधा हुआ है। इसमें किस तरह से फर्क है देखिए बच्चों क व। साथ ही साथ कर्तव्य यहाँ र आधा होकर आ गया है। अगला है पौधे लगाओ प्रदूषण हटाओ। प्र र आधाया हुआ है कि नहीं। यहाँ पर ग्रह को जिस तरह से है उसी तरह से प्र यहाँ पर आधाया है। राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। इन हर एक वाक्य में बच्चों किस तरह से ये जो अक्षर जुड़ गए हैं मतलब संयुक्त अक्षर बन गए हैं यह आप ध्यान से देखो। मक्खी मच्छर भगाओ और रोग मिटाओ। रक्तदान जीवन दान। नेत्रदान श्रेष्ठ दान। विश्वास रखो अंधविश्वास नहीं। बेईमानी ठुकराओ ईमानदारी अपनाओ। इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो। देखिए बच्चों हर एक वाक्य में हमें क्या दिया है अलग अलग प्रकार के संयुक्त अक्षर दिए हुए हैं। लेकिन आपको क्या करना है अपने कॉपी में जो भी संयुक्त अक्षर हैं उन संयुक्त अक्षर को लिखना है और आगे उसके किस नियम से वह बना हुआ है सिर्फ उसका नियम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मक्खी है। मक्खी यह शब्द आपने लिखा और आगे आप लिखेंगे क्या इसमें कौन सा नियम बनता है आगे होकर। आगे हो किस तरह से जुड़े हुए हैं यह आपको लिखना है। हर एक शब्द लिखेंगे और उसके आगे किस तरह से आपने यह उसे जुड़ाया है मतलब कौन सा नियम लेकर यह आपको लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी सुविचार दिए हुए हैं मतलब मौन वाचन करो और आपस में श्रुत लेखन करो यह भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। समझ गए बच्चों? जो भी शब्द है यह आप ठीक ढंग से लिखिए। अगली तासिका को हम अगला पाठ देखते हैं। धन्यवाद।